अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद की कादरी नली बिरयानी। अगर जुम्मा हो और जुम्मे के बाद बिरयानी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, और अगर बिरयानी नली बिरयानी हो और नली पुलाव हो जाए तो क्या बात है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है झांजे भाई। झांजे भाई, मुझे ये बताइएगा कि एक तो जुम्मा फिर उसके बाद बिरयानी, ये तो एक लवाजमात है हमारी, लेकिन आपने जो अपनी दुकान खोली है वो खोली भी मस्जिद के बाहर है, तो ये एक आपने सोची समझी साजिश है आपकी या एक बस हो गया? नहीं, साजिश तो खैर नहीं है। ये आप ये समझ लें कि हमारी जो शॉप है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से यहीं पर है, मस्जिद के पास ही है। तो बस ये कि जुम्मे के बाद जो है नमाज़ पढ़ के जितने भी नमाजी आते हैं तो वो बिरयानी और पुलाव खाते हुए जाते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। एक तो असी मस्जिद से निकले और बिरयानी की खुशबू, फिर जिसका ना भी दिल करे अगर कोई डाइट पर हो तो वो भी थोड़ा फिर कर लेता है, चीट कर लेता है वो। बिल्कुल बनता है। एक तो आपकी नली बिरयानी ने पूरे पाकिस्तान में इसने धूम मचाई हुई है, लेकिन अभी आपने एक नली पुलाव भी मुतारफ़ कराया, तो हर चीज़ नली में बना रहे हैं, क्या रीज़न है? असल में सर जी, ये नली बिरयानी जो है बेसिकली वो भी हमने स्टार्ट की थी, और अब जो नली पुलाव जो स्टार्ट किया है वो भी हमने जो है कस्टमर डिमांड पर किया है। तो मकसद ये था कहने का कि मकसद जिस तरीके से लोगों को पता है कि भाई नली बिरयानी के पायनर हम हैं, तो अब कस्टमर्स ने कहा कि भाई आप पुलाव तो बीफ पुलाव तो बना रहे हैं लेकिन इसको नली में बनाएं, तो बस ये समझ लें कि कस्टमर की डिमांड पर जो है हमने नली पुलाव स्टार्ट किया है। नली बिरयानी क्या किलो है? नली बिरयानी सर 640 रुपए किलो है। और अगर नली हटवाएं? नली हटाएंगे आप 560 रुपए किलो। और ये बीफ है? बीफ बिरयानी। और नली पुलाव? नली पुलाव जो है वो पड़ेगा आपको 680 रुपए किलो विद नली। नली के बगैर आप लेते हैं तो वो 600 रुपए किलो पड़ेगा। जानसे भाई, ये बताएं कि ये इलाका लियाकताबाद है, ये पूरा एक मोहल्ला कादी नली बिरयानी के नाम से मशहूर हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं सर यही कहूँगा कि बहुत खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये इनाम हमें दिया है कि हम लियाकताबाद जो मशहूर है वो कादरी नली बिरयानी के नाम से। ये जो नली का आपने ये सिस्टम लगाया है, ये खाने के साथ नली, क्योंकि अमूमन हमने देखा है नली पाए, नली निहारी, फिर नली बिरयानी, ये कब से शुरू किया आपने? ये समझ लें कि ये इसकी जो बेस बनाने वाले हैं वो वालिद साहब हैं, 1986 से जो है ये काम हमारा जो है स्टार्ट है, और पहले बहुत इतना हाईलाइट नहीं था, 5 से 6 साल हो गए इसको हाईलाइट हुआ है। नली बिरयानी बेसिक जो है वो हाईलाइट जो हुई है वो 5 से 6 साल पहले हुई है। इसकी वजह शोहरत क्या थी? वजह बस ये समझ लें कि आप सोशल मीडिया का दौर है, आज बहुत पावरफुल जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, बस उसी पे ये वायरल हो गई। दुनिया भर में कहां कहां से लोग यहां पर आए? ये समझ लें कि आप तकरीबन अमेरिका से आएँ, लंदन से आएँ, दुबई से आएँ, और पाकिस्तान में हर शहर से आएँ, और ख़ासतौर पर लाहौर से भी बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर खाने आते हैं। लोगों का कहना है कि ये नली को रीफिल किया जाता है, क्योंकि इनके पास इतनी नलियाँ कहाँ से आती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको क्लियर करें। सर जी, ये समझ लें आपके 10 से 15 लोग हैं जो हमें नली प्रोवाइड कर रहे हैं, और नली रीफिल करना ये पॉसिबल नहीं है। बाकी आप कहते हैं तो मैं आपको किचन में ले चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा, आपके सामने कटरेंगी कटते भी दिखाऊंगा आपको, और लगते भी दिखाऊंगा जो बिरयानी में लगती है। इंशाल्लाह मैं अपने नाज़रीन को लेकर जाऊँगा इनके किचन में और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि आया ही नली आती कहाँ से। बताइएगा कि जुम्मे को इतना रश होता है तो ये कोई खास करम है या ये हफ्ते के 7 दिन ही रहता है? देखें, करम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का हमेशा ही होता है बंदे पर, और जुम्मे का आप ये समझ लें कि फ्राइडे हो और बिरयानी ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये समझ लें कि आप जुम्मे को ज़्यादा क्राउड होता है वर्किंग डे से जो है, मतलब फ्राइडे जो है वो ज़्यादा जो है क्राउड होता है। कौन सा आपका शेफ है जो माशाल्लाह दोनों ही चीज़ों में एक बेहतरीन जायका है? समझ लें सर कि क्वालिटी जो है वो उसको हम मेंटेन रखते हैं, और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मसाले वगैरह जो है वो अपने पिसवाते हैं फ्रेश, और ये समझ लें कि आप गोश्त जो है वो रोज़ आता है, कटता है फ्रेश, डलता है इसके अंदर, और चावल भी बेहतरीन क्वालिटी का जो बासमती यूज़ किया जा रहा है,
तो ये समझ लें कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसी वजह से अल्लाह पाक बरकत भी देता है और ये टेस्ट भी समझ लें कि बस उसी की बदौलत है जो ईमानदारी है। आपके तो मज़े हैं, आप तो रोज़ ही खाते होगे बिरयानी। रोज़ तो नहीं, तकरीबन ये समझ लें एक दिन छोड़ के मैं खाता हूँ, मुझसे भी नहीं रहा जाता। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।